अयोध्या में रामलला के आगमन को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सनातनियों के साथ साथ मुस्लिम समाज भी इस दिन को खास बनाने में लगे हुए हैं। राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक में सद्भावना संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और करीब 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करने वाले मुस्लिम समाज के हाजी मुकीम कुरैशी और उनके साथी इस मौके पर सामाजिक समरसता का शानदार संदेश दे रहे हैं। उन्होंने पूरे चांदनी चौक की गलियों को भव्यमय कर दिया। हर जगह भगवान श्री राम के ध्वज लहरा रहे हैं और राम नाम की धुन सुनाई दे रही है। हालांकि दिल्ली इस समय अयोध्या से कम नजर नहीं आ रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिल्ली में ही अयोध्या हो। जब हमारी टीम ने हाजी मुकीम कुरैशी से बात की तो उन्होंने बताया कि राम हमारे आदर्श है। हमको भी उतनी ही खुशी हो रही है जितनी हमारे हिंदू भाइयों को। हम तो गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं। और क्या कुछ कहा आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसको लेकर पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल है और 22 जनवरी को भव्य दिवाली मनाई जा रही है। इसी को लेकर आज हम आए हुए हैं दिल्ली के चांदनी चौक एरिया में। चांदनी चौक एरिया मुस्लिम एरिया है और हमारे साथ तो तमाम लोग हैं। मुकीम कुरैशी जी हैं, हाजी मुकीम कुरैशी जी, उनके तमाम लोग हैं। और मुकीम कुरैशी जी के बारे में बता दें कि 35 सालों से लगातार भाजपा में काम कर रहे हैं, अल्पसंख्यक से लेकर तमाम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लिए काम कर रहे हैं। क्या कुछ तैयारी है, किस तरीके की व्यवस्थाएँ कर रखी हैं 22 जनवरी को लेकर, किस तरीके की तैयारी? देखिए, मुस्लिम समुदाय भी जो है राम जी को अपने उसी आदर और उसी सम्मान मतलब देता है जैसे हिंदू लोग देते हैं। लेकिन हमारी एक धार्मिक भावना है कि हम खुदा के अलावा किसी को सजदा नहीं कर सकते, तो हम खुदा के अलावा किसी को सजदा नहीं करते। लेकिन जो हम सम्मान और जो आदर हम अपने पैगंबर या नबी को देते हैं, तकरीबन वही सम्मान हम राम जी को देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि हर कौम के अंदर अल्लाह ताला ने जो है अपने दूत भेजे हैं, तो हमारा मानना है कि ये भी अल्लाह की तरफ से भेजे हुए दूत हैं राम जी। कितनी खुशी का माहौल है? देखिए, दिवाली से ज़्यादा खुशी जो है ये बड़ी दिवाली है हमारे लिए, हम सब के लिए, पूरे देश के लिए, और हिंदू मुसलमान बराबर इसमें शरीक हैं, बिना किसी तफरीक के, बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी विषय किसी तरह के एतराज़ के हिंदू मुसलमान सब हर तरह से इस प्रोग्राम में इस खुशी के मौके पे साथ हैं। और हम पूरे देश को मुस्लिम समुदाय की तरफ से इसके लिए शुभकामनाएं देना चाहते हैं और ख़ास तौर से मोदी जी को और बीजेपी सरकार को कि उसके रहते हुए हमें ये दिन देखना नसीब हुआ। बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सूफी रुस्तम इलाही हाशमी है। क्या कहेंगे 22 जनवरी को मंदिर के प्रांगण? बहुत बहुत अच्छा हो रहा है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो क्या है ना, मन के मंदिर में तेरी तस्वीर की पूजा करूं, मन के मंदिर में तेरी तस्वीर की पूजा करूं, तू मुझे देखे ना देखे मैं तुझे देखा करूं। क्या बात है? भगत के कब्जे में भगवान होता है। मैं रामदा सिवरन करूं, मैं रामदा सिवरन करूं, मेरा करे राम सिवरन आपे खुद होंदा जब दिल में आ जाए मेहरा। जब प्रकाश आ जाए, नूर आ जाए, बहुत से लोग उसे प्रकाश कहते हैं, उसी को नूर कहते हैं। तो ये कोई ऐसा वो नहीं है हिंदू मुस्लिम, ये तो सिर्फ कहने सुनने वाली बातें हैं। जल भी वही है, वाटर भी वही है और पानी भी उसी को, हम सब एक हैं। और हम में बड़ी खुशी है और हम सब हिंदू मुस्लिम भाई सिख ईसाई सब की व्यवस्थाएं हैं भाई जनवरी को। हमने एक खुशी का एक माहौल है यहाँ पर और हमने सारा सजा रखा है अपना, सारा हमारा चांदनी चौक सजा हुआ है और हमारे दुकान मकान सब सजे हुए हैं और हम सब मिलजुल के ये समझो सबसे बड़ी दिवाली जो है, सबसे बड़ी ईद दिवाली, ये खुशी का दिन है। विरोधी पार्टियों के जो नेता कहते हैं कि सरकार भेदभाव कर रही है, देखिए वो पार्टियों का मामला तो एक राजनीति होता है, उससे हमें इस राजनीति में आस्था के अंदर हम राजनीति नहीं लाना चाहते। राजनीति का तो काम है एक दूसरे को बुरा कहना, वो शुरू से कहते हुए आए हैं, वो कोई नई बात तो है नहीं। बातें हैं राजनीति की बातों में नहीं, लोग जो ना समझे वो अभी जाते हैं और जो समझदार लोग हैं वो इस पे गौर ही नहीं करते, वो तो ये देखते ना आस्था क्या है। आस्था सबसे बड़ी चीज़ है। जो नास्तिक लोग हैं उनका कोई मजहब नहीं होता, उनके लिए तो ये सब होता है। जो आस्था रखते हैं उनके लिए तो सब एक धर्म एक समान है, सबका मालिक एक। और हम सब हमारी दुआएं हैं, सारे मुस्लिम भाइयों की दुआएं हैं और हमारे जो औलिया अल्लाह, क्योंकि सूफी संतों का देश है,
और ये देवी देवताओं से भरा हुआ है। ये हमारा जो देश है, हमें इस पे नाज है और पूरी दुनिया के अंदर हमारा परचम है तिरंगा। ये पूरी दुनिया के अंदर इससे ऊंचा बुलंद कोई तिरंगा जो हमारा परचम है इससे ज़्यादा ना ले रहा है। हम सलूट करते हैं अपने और नाज करते हैं कि हम मुल्क हिंद में पैदा हुए, जहाँ पर श्री राम जी जैसे अवतार और बड़े बड़े यहाँ पर पीर पैगम्बरों का भी दौर हुआ और संतों का भी, तो हम बहुत इससे बहुत खुश हैं। ठीक है, क्या मतलब अब कहने को चाहिए नहीं, अब आपको इलाका घुमाते हैं, आप बाहर चलिए। आपको सजा रखा है बहुत अच्छे तरीके से, सजा रखा है हमारा पूरा इलाका तैयार पूरा हर तरीके से, कल से लगे पड़े हैं 3 दिन से, आज जाके तैयारी हुई पूरी हुई है। 22 जनवरी को भव्य दिवाली जी इंशाल्लाह, भव्य दिवाली है, बढ़िया बब्बर दिवाली है ये। चलिए, तो सुना आपने तमाम लोगों से बातचीत की है, किस तरीके की खुशी है 22 जनवरी को लेकर, खुशी का माहौल है और ये बता रहे हैं कि 22 जनवरी को पूरा देश भव्य दिवाली मनाएगा और हमारे एरिया में भी बहुत अच्छी तरीके से तैयारियाँ की गई हैं। कैमरामैन अमन के साथ ब्रजेश कुमार, BCN News, दिल्ली। NBCN News के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।